हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस टेक। ये मेरा नया हीरो स्प्रिंट साइकिल है, जिसके ऊपर मैं आज आपको हेडलाइट फिट करके बताऊंगा। और इसके लिए मैंने ये अमेज़ॉन से एक हेडलाइट मंगवाई है। ये लाइट मुझे अमेज़ॉन पे 179 रुपीस का मिला है, विद बटन है ऑन ऑफ। तो ये 18 वॉट की पावर लाइट है और वोल्टेज डीसी 9 to 15 है, वोल्ट है। और मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये कुछ लाइट ऐसे हैं, आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जिनके ऊपर हमेशा मोस्टली सिंगल लाइट ही लगाई गई है साइकिल पे। तो आज मैं आपको ये ड्यूल लाइट लगा के दिखाऊंगा। और इसके साथ मुझे ये बटन मिला है एक, जो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए काम आएगा। और इसके लिए मेरे पास है ये 10.5 वोल्ट की बैटरी है, जो 25 वाटेज की है। तो ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी है, ये मेरे कम से कम 1-1.5 महीना निकाल जाएगी। तो आओ मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। इसके लिए चाहिए हमें कुछ टूल, एक पेचकस, वायर। और मैं, कुछ लोग तो इसको यहाँ पर लगाते हैं, बट मैं आपको इसको यहाँ पर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर एलन की वाला स्क्रू है, जो मेरे पास इसका कोई ड्राइवर नहीं है। तो मैं इसको यहाँ इसके मड गार्ड के ऊपर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बटन लगा के दिखाऊंगा। और इस बटन को लगाने के लिए चाहिए हमें ये स्क्रू ड्राइवर। और ये बटन ऐसे नीचे से खुलता है, आप एक स्क्रू खोल कर और इसको साइकिल के हैंडल पर लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ये फिट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लूज़ कर लिया है। तो अभी मैं इसको हैंडल पे फिट करके दिखाऊंगा यहाँ पर। और अभी मैं इसके यहाँ से जो स्क्रूज़ हैं उनको टाइट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रॉपर फिट कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसके दोनों स्क्रूज़ को टाइट कर दिया हैंडल के ऊपर। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फिट हो गया है। तो अभी मैं आपको हेडलाइट फिट करके दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पर इसके हेडलाइट को फिट करूँगा। तो उसके लिए हमें चाहिए ये 10 नंबर गोटी। तो जिस इसके साथ मैं ये स्क्रू को लूज़ कर दूँगा, खोल दूँगा। तो मैं आपको यहाँ पर लाइट फिट करके दिखाता हूँ। अभी एक्चुअली मैं अपने घर के बिल्कुल अंदर कर रहा हूँ, ताकि जो वीडियो की क्लैरिटी है, जो विजिबिलिटी है, वो ज़्यादा अच्छी दिखे। और फ्रेंड्स, ये जो लाइट है, लाइट के नीचे यहाँ पे ये एक मेटल पीस लगा रहता है, जिसको मैं ऐसे सीधा कर दूंगा। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लगा के इस नट के साथ फिट करूँगा। तो आइए मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस लाइट को पूरा फिट कर दिया है। ये बिल्कुल मूव नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये हैंडल के बिल्कुल साथ साथ, जिस साइड को आप टर्न करेंगे, वैसे वैसे ही ये लाइट उस साइड पर जाएगी। तो आपको, आपकी जो विजिबिलिटी है वो बनी रहेगी, तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ इसके। आप देख सकते हैं कि लाइट बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको इस लाइट के कनेक्शन करके बताऊंगा कैसे हमने इस लाइट के कनेक्शन करने हैं। और मैं इसकी बैटरी को यहाँ पे फिट करूँगा।
अगर मैं यहाँ पर फिट करता हूँ तो ये यहाँ पे प्रॉपर सेट नहीं बैठ रही है, अगर यहाँ पे लगाएं तो बहुत इजी रहेगा, कनेक्शन के लिए ज़्यादा वायर को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कुछ सेट नहीं बैठ रही है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। और इसको फिट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, ये जो प्लास्टिक के क्लैंप्स आते हैं, मैं इनके साथ इनको यहाँ पे इसको फिट करूँगा। तो अभी मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। हमने ऐसे इसमें क्लैंप लगा के इसको पुल कर देना है, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी। यहाँ पर सकते हैं कि ये कितनी टाइट है, मैं इसको हिला रहा हूँ, ये हिल नहीं रही है, बिल्कुल स्टेबल है, तो कोई भी अनोइंग साउंड भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसका कनेक्शन करूँगा। जो इसका बैटरी का ब्लू है, बैटरी का ब्लू है, ये इसका नेगेटिव है, और जो वाइट है इसका पॉजिटिव है। तो मेरे पास ये वायर है, तो मैं वाइट जो वायर है पॉजिटिव, मैं वाइट को वाइट के साथ पॉजिटिव दूंगा, और ग्रीन को ब्लू के साथ मैं इसका नेगेटिव करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो वाइट को पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव दिया और ब्लू को ग्रीन के साथ नेगेटिव दिया। तो अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि हमने लाइट के साथ इसका कैसे कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके कनेक्शन करके बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं, ये जो दो वायर हैं ये लाइट की हैं, इसका जो रेड है वो नेगेटिव है, और जो ब्लैक रेड है, आप देख सकते हैं ये तार बीच में से रेड भी है और ब्लैक भी है, तो ये इसका पॉजिटिव है। तो ये जो बैटरी से वायर आई है, इसका जो ग्रीन है वो इसका नेगेटिव है, और जो वाइट है उसका पॉजिटिव है। तो मैं लाइट के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और जो स्विच है, स्विच के जो ब्लैक वाला है, इसके साथ मैं पॉजिटिव की जो वायर है उसको इस थिम्बल में डाल दूंगा। कुछ ऐसे मैंने इसको इस थिम्बल में डाल दिया है। और अभी जो स्विच से जो ग्रीन वाली तार आ रही है, इसको मैं लाइट के पॉजिटिव के थिम्बल में डाल दूंगा कुछ ऐसे। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्विच को ऑन करने से ये लाइट जल गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही इजी, और ये बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। और मोस्टली आपने YouTube वीडियो देखी है कि इसके ऊपर सिंगल लाइट लगाते हैं, तो मैंने ड्यूल लाइट लगाई है, ये बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है साइकिल के ऊपर। आप रूम में लाइट होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि दीवार पर कितनी हाई वाली लाइट लग रही है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइट मैं आपको नाइट में चला के दिखाऊंगा कि ये लाइट कैसे इस पर चलती है और कितनी रोशनी देती है हम अंधेरे में जब हम साइकिल को चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट में डालें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से वायर को कंप्लीट इसके साथ टाई कर दिया, बाइंड कर दिया, और ये बिल्कुल एकदम हाइड हो रखी है, इसमें कुछ भी ऑड नहीं लग रहा। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस वायर को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रही है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरा हो चुका है, तो मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शार्प और ब्राइट लाइट है इसकी, ये ड्यूल LED हेडलाइट की, आप देख सकते हैं। एक बाइक के जैसा बिल्कुल इसका लाइट है, जितनी एक बाइक की शार्प लाइट होती है, सेम ही ऐसी शार्प लाइट है इस साइकिल की।
आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी लाइट है, कितनी शार्प और ब्राइट लाइट आप देख सकते हैं।